राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक सोनालिका ट्रैक्टर्स अधिकृत विक्रेता में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स प्रोपाइडर बीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे फ्री रोड सागर मध्य प्रदेश। साला भवन हुआ क्षतिग्रस्त नहीं हुआ जीर्णोद्धार, क्या बच्चे खुले आसमान के नीचे करेंगे शिक्षा अध्ययन। बंडा, एक तरफ शासन प्रशासन शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की बात करता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर स्कूलों की हालत क्या है ये जानने की जरूरत नहीं समझते हैं। अगर शासन ग्राम मोहनपुरा के भवन को देख ले तो सारी बातें सामने आ जाएगी और घोषणा एवं कार्यों का दावा करने वाली कलाई खुद ब खुद खुल जाएगी। बंडा से करीब 4 किलोमीटर दूर ग्राम मोहनपुर में शासकीय प्राथमिक शाला है जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त होकर कभी भी गिर सकती है। ऐसे समय यहाँ पदस्थ शिक्षकों ने छप्पर की टूट चुकी कैंची सड़ चुकी अन्य बल्लियों को सुरक्षित रखवाकर वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दे दी है। तब जाकर बीआरसी अधिकारी ने विधिवत जिला शिक्षा केंद्र को पत्र लिखकर स्कूल भवन के जीर्णोद्धार के लिए लिखा। अब चिंता इस बात की है कि 1 अप्रैल से प्राथमिक स्तर की कक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। ऐसे में बिना भवन के बच्चों को कहां बिठाया जाएगा। शिक्षक सुनील मिश्रा का कहना है कि करीब 6 माह पूर्व से ही यह संस्था का भवन क्षतिग्रस्त हो चुका है। माह जुलाई में क्षतिग्रस्त भवन का जीर्णोद्धार कराने अथवा नया भवन बनाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन करीब करीब 1 वर्ष होने को है लेकिन अभी तक ना तो भवन का जीर्णोद्धार हुआ ना ही भवन नवीन भवन स्वीकृत हुआ है। वर्तमान में हम लोग गाँव के ही मकानों में मोहल्ला क्लास संचालित कर लेते हैं, लेकिन जब 1 अप्रैल से कक्षा प्रारंभ होगी तो ऐसे बच्चों को कहाँ बिठा देंगे यह चिंता का विषय है। तेज बोलो, क्या नाम है? रोहिणी मोदी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? चौथी। आप जिस स्कूल में पढ़ रही थी उसमें क्या समस्या आ रही आपके लिए? क्योंकि हमारा विद्यालय टूट चुका है, बैठने के लिए जगह भी नहीं है, पीने के लिए पानी भी नहीं है और खेलने के लिए मैदान भी नहीं है। अभी आप कहाँ पढ़ाई कर रही हैं? एक जगह पे। किसके मकान में? बता दो। लक्ष्मी के लोकेंद्र। कौन सी क्लास में पढ़ा? 5वीं। तो स्कूल में क्या समस्या आ रही? मुझे समझ में, हमारा विद्यालय टूट चुका है, बैठने के लिए जगह भी नहीं है, पानी की व्यवस्था है, खेलने के लिए मैदान भी नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में आप कहाँ पढ़ाई कर रहे तुम? नरेश लोधी। मकान में एकमात्र कमरा जो हमारे विद्यालय का था उसका छप्पर खराब होके गिर गया और बच्चों को बैठने के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। अभी वर्तमान में मोहल्ला क्लास के लिए तो नरेश लोधी जी के मकान में व्यवस्था है, किंतु 1 अप्रैल से जब नए सत्र में विद्यालय खुलना है तो उसके लिए हमारे बच्चों को बैठने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। ना इस गांव में कोई शासकीय भवन है ना अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था हमारे यहाँ है। जैसे ही हमारा भवन क्षतिग्रस्त हुआ था मैंने व्यक्तिगत हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क भी किया, पत्राचार भी किया और आश्वासन मिलते रहे हैं कि शीघ्र ही या तो उसकी छत बनवा दी जाएगी या नया भवन दे दिया जाएगा, किंतु आज दिनांक तक ना तो दूसरा भवन स्वीकृत हुआ है ना इसकी मेजर मरम्मत का कोई प्रस्ताव मिला है। आपने आवेदन कितने पहले दिन दिया था? मैंने जुलाई में बीआरसी महोदय के यहाँ। अब ऐसी परिस्थितियों में क्या आगे कदम रहेगा? अब 1 जुलाई से अभी तो ठीक है, हमारे 1 अप्रैल से जो अपना खुला है नया सत्र, तो नए सत्र में बैठने के लिए कोई व्यवस्था हमारे विद्यालय में नहीं। मोहल्ला क्लास तो अभी चल रही थी, ठीक है, निजी मकान था। उपेंत्री के निरीक्षण 20 नवंबर को कराया गया था उपेंत्री द्वारा, जिसमें उसका छप्पर एक कैंची टूटी हुई थी जिसका छप्पर निकलवा के बाहर रखवा दिया गया है और उसकी स्लैब की व्यवस्था के लिए माननीय DPC महोदय के लिए पत्र लिखा गया है 9/12 और इसको हमने वार्षिक कार्य योजना में जो अभी अप्रैल में स्वीकृत हो जाएगा उसमें भी इसको लिया गया है। हो सकता है नई वार्षिक कार्य योजना में भी स्वीकृत हो जाए या उसकी मरम्मत की राशि स्वीकृत हो जाए। हाँ, ये बात मेरे संज्ञान में भी आई है, जो मोनपुर स्कूल है वहाँ की जो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है और वास्तव में वहाँ बच्चों को बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
संबंध में और भी ऐसे हमारे विधानसभा में ऐसे और भी स्कूल हैं जहाँ पे बच्चों के बैठने के लिए भवन की व्यवस्था नहीं है। उसके संबंध में अभी हमने जो भवन विहीन जो स्कूल हैं संबंध में लेटर भी लिखा था। और दूसरी बात तो ये है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी है जो वो शिक्षा को लेकर उस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये अपने जो इनके जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम हैं ये तो ये बराबर चल रहे हैं, लेकिन बच्चों का जो भविष्य शिक्षा से बनता है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी सत्र चल रहा है और मांग अनुदान को लेकर उस पर चर्चा भी होनी है, तो उसमें भी मैं इस बात को रखूंगा कि जितनी भी मोहनपुर जैसी जितनी भी शालाएँ हैं जो स्कूल हैं और जहाँ पे भवन नहीं है वहाँ पे भवन की व्यवस्था कराई जाए।